नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत टाइम्स न्यूज चैनल आज अपनी इस खबर के माध्यम से आपको यूपी के जिला मेरठ में स्थित काले कारनामों से भरे एक ऐसे रहस्यमय बंगले के काले सच का रहस्य उजागर कर रहा है, जिसे देखने के बाद निश्चित रूप से आप हैरान रह जाएंगे और दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा बंगला जो राज उगल रहा है, एक बंगला जो काला सच बयां कर रहा है, एक बंगला जिसके अंदर ऐसे राज उजागर हो रहे हैं कि पुलिस भी सन्न है। ये कहानी है यूपी के जिला मेरठ के बंगला नंबर 235 की। इस बंगले पर अब पुलिस का नगाड़ा बजाकर बड़ा एक्शन हुआ है। जिस बंगले की तरफ सामान्य लोग निगाह उठाकर नहीं देख सकते थे, उस बंगले के अंदर नजर आ रही थी तो पुलिस और सिर्फ पुलिस। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बंगला है जिसके अंदर 16-16 टायर वाले ट्रक तक दाखिल हो जाया करते थे, लेकिन जनाब ये सच है। मेरठ का बंगला नंबर 235 आजकल खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जब इस बंगले के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो वो भी स्तन रह गई। ये बंगला है चोर बाजार के रूप में कुख्यात रहे सोतीगंज के एक कबाड़ी हाजी नईम उर्फ गल्ला का। कबाड़ी हाजी नईम उर्फ गल्ला के बंगला नंबर 235 ने आज जब अपना काला सच उगला तो जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। तकरीबन 15 करोड़ के इस बंगले के राज का खुलासा एएसपी सूरज राय ने किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। एएसपी सूरज राय ने बताया कि ये बंगला कबाड़ी हाजी नईम उर्फ गल्ला के नाम पर 15 साल से पंजीकृत है। आज इस बंगले को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया। बताया गया कि बंगला नंबर 235 का एक भाग चोरी के वाहन कटान का मुख्य केंद्र था। इस बंगले के गेट ऐसे डिजाइन किए गए थे कि ट्रक और 16 पहिया वाहन आसानी से दाखिल हो जाते हैं। बंगले का गेट इतना बड़ा है कि बड़े से बड़ा वाहन आसानी से अंदर दाखिल हो जाया करता था, लेकिन इस गेट के अंदर दाखिल होने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही पुलिस गेट के अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वाहनों के पुर्जे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। एएसपी सूरज राय भी यहां की तस्वीर देखकर चौंक गए। बंगले के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी जंगल में दाखिल हो गए हों। बंगले के अंदर मौजूद वाहनों के पुर्जे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहां क्या काम हो रहा था। वहीं इलाके के लोग पुलिसिया कार्रवाई से खुश हैं। बंगले के पास ही रहने वाली एक महिला ने बताया कि दिन रात यहां वाहनों का आना जाना लगा रहता था। महिला ने बताया कि 24 घंटे इस बंगले के अंदर से वाहनों की खटर पटर सुनाई देती रहती थी। इस महिला ने बताया कि अब बरसों बाद उन्हें चैन की नींद आनी शुरू हुई है। इस बंगले से जुड़े काले कारनामे से जुड़े रहस्य के संबंध में एएसपी सूरज राय से जब भारत टाइम्स न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा ने बात की तो उन्होंने बताया कि अपराध के बल पर इस बंगले को अर्जित किया गया था और आज विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14A के अंतर्गत संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 15 साल से बंगला नंबर 235 की संपत्ति अभियुक्त के नाम दर्ज थी। उन्होंने बताया कि कैंट बोर्ड के अभिलेखों में हाजी नईम के नाम से संपत्ति पंजीकृत थी। सूरज राय ने बताया कि हाजी गल्ला पर गैंगस्टर एक्ट और विभिन्न थानों में 35 मुकदमे दर्ज हैं। 2000 वर्ग मीटर की संपत्ति की बाजारी कीमत 15 करोड़ रुपए है और अब तक कबाड़ियों की 70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। वाकई में इस बंगले के काले रहस्य को जानकर हर कोई स्तब्ध व हैरान है। देखिए भारत टाइम्स न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा द्वारा कवरेज की गई हैरान कर देने वाली काले कारनामों की काली करतूतों से भरी रहस्यमय बंगले के चौंकाने वाले सच को उजागर करने वाली खबर पर बनाई गई है स्पेशल स्टोरी। हाजी नईम उर्फ गल्ला जो लगभग पिछले 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में वाहन चोरी और संगठित रूप से वाहन कटान की दुनिया में कुख्यात था, इसके ऊपर 30 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। इसके इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये सामने आया कि इसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ये इसी तरीके से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है। तो इसके क्रम में यह संपत्ति जिस पे हम आज खड़े हैं, पटेल नगर स्थित इसकी यह कोठी, धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसको आज कुर्क किया गया। इस संपत्ति की अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है और इसके अलावा अन्य 2 संपत्तियां हैं जिसकी कुर्की का आदेश है, जिनको आने वाले दिनों में जब्ती